श्री गुरुभ्यो नमः। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है तो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है, ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठे, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठ भाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा, तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए, किसी और रूप में किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। नारायण।